क्या आप अभी गैस सिंक के एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या लैंप हैंड लीजिए? कहीं आप किसी माई से एक्सपीरियंस तो नहीं ले रहे हैं? क्या आप अभी ओवरमैन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं भर रहे हैं? अगर भर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डीजीएमएस द्वारा बदले गए न्यू सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे इन सारे एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। डीजीएमएस ने कुल 7 एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट फॉर्मेट में चेंजेस किए हैं जो कि रिलेटेड है कोल माइन से। वो हैं वाणी जर्मन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ओवरमैन सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, सरदार के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, गैस टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट और लैंप हैंडलिंग के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट फॉर्म 2, ये सारे में चेंजेस किए गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली इन सारे एप्लीकेशन फॉर्म या सर्टिफिकेट फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं नहीं बताने वाला। अगर आप चाहते हैं कि एक एक एप्लीकेशन फॉर्म या सर्टिफिकेट के फॉर्म के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक में जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो चलिए एक एक करके सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें जो जो चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंजन ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत को उस रेफरेंस नंबर का एक बॉक्स ऐड किया गया है, आधार कार्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और डीबर्ट का भी बॉक्स ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक एफिडेविट भी देना कंपलसरी है, बिना एफिडेविट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नोट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कोल और मेटल माइंस के लिए रिगार्डिंग मिनिमम एवरेज मंथली आउटपुट और एवरेज डेली मैन पावर कितना होना चाहिए जहां से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की। यहां पर मैनेजर सर्टिफिकेट नंबर को इंक्लूड किया गया है, बाकी फॉर्म पहले जैसा ही लगभग है। यहां पर इंस्ट्रक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी मेंशन किया गया है, जैसे एक्सपीरियंस किस कैपेसिटी पर गेन किया गया है, दैट इज स्टैचुअरी या नॉन स्टैचुअरी कैपेसिटी पर, एक्सपीरियंस गेन करने की प्लेस कहाँ है ये भी आपको मेंशन करना है, जैसे बिलो ग्राउंड है या ओपन कास्ट है या अबव ग्राउंड है, ये सब भी मेंशन करना है। इसके अलावा इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि बिना मैनेजर या ऑनर के ऑफिशियल सील के इशू किया गया कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा। नेक्स्ट है फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसमें यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट किसी माइंस, किसी VTC या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, HOD या इंचार्ज से ले सकते हैं। अगर आप माइंस से ले रहे हैं तो आपको मैनेजर से इशू करवाना होगा, अगर आप VTC से ले रहे हैं तो एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर से इशू करवाना होगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म में, इशू करने वाले ऑफिशियल का नेम, उनका साइन, उस माइंस या VTC या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नेम, कंपनी या ओनर का नेम और एड्रेस यहाँ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है ओवरमैन और सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इसमें भी आधार कार्ड नंबर, डीबार्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, भारत कोर्स रेफरेंस नंबर, एफिडेविट वाली चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट। ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके बॉटम पर यह एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होगी और इशू करने वाली अथॉरिटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट है सरदार सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इसमें भी ओवरमैन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म के जैसे ही चेंजेस हुए हैं, जैसे कि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग आधार कार्ड, डीबार्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, भारत कोर्स रेफरेंस नंबर, एफिडेविट, यही सब चीज़ें यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है गैस टेस्टिंग का एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड का एक बॉक्स ऐड किया गया है, भारत कोर्स रेफरेंस नंबर का भी बॉक्स ऐड किया गया है, डीबार्ड का बॉक्स ऐड किया गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी बॉक्स ऐड किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एफिडेविट देना कंपलसरी है, अगर बिना एफिडेविट के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट है फॉर्म टू जो है एग्जेम्पशन बेसिस पर ओवरमैन सर्टिफिकेट से इन क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सर्वेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए भरा जाता है। इसमें बाकी सब तो पहले जैसा ही है बट यहाँ ट्रेनिंग में थोड़ा और प्रिसाइज डिटेल्स मांगा गया है जैसे कि एक्सपीरियंस किस कैपेसिटी पर गेन किया गया ये सब। इसके अलावा भारत को रेफरेंस नंबर और एक एफिडेविट भी कंपलसरी किया गया है। सारे बताए गए एप्लीकेशन फॉर्म या सर्टिफिकेट फॉर्म के फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और वहां पर जाकर आप सभी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट या एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी थॉट या डाउट है तो प्लीज हमें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें क्योंकि वहां पे हम लोग माइनिंग से रिलेटेड काफी सारे माइनिंग कंटेंट डालते रहते हैं। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।